और अभी हम लोग पहुंच गए हैं अब ओ पान शुभम आराम से ठीक है। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत विशाल। आज के इस वीडियो में एक्चुअली मैं जा रहा हूं लखनिया दड़ी घूमने। लखनिया दड़ी एक्चुअली बंद है, बनारस के बगल में ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर का राइड है बनारस से, बट लखनिया दड़ी बंद है। जाएंगे अभी देखेंगे लखनिया दड़ी और उसके बाद वहीं पे नीचे और भी नहाने के स्पॉट्स हैं। यही है ये रहा अपना लखनिया दड़ी, यहाँ बंद हो गया है तो hey guys, welcome back। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं लखनिया दड़ी के अल्टरनेटिव पे। लाइक लखनिया दड़ी तो बंद था जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, बट उसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे ये आपको एक दूसरा दड़ी है। इसका एग्जैक्टली नाम नहीं है, आपको ये ज़्यादा गूगल मैप पे मिलेगा भी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये लोकेशन को आप फाइंड कर सकते हो। मैं निकलते समय रास्ता बताने का कोशिश करूँगा, थोड़ा सा इसका रास्ता डिफ़िकल्ट है, काफ़ी अंदर को आके है तो इसीलिए लोगों को जल्दी मिलता नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे ये भी पॉपुलर हो रहा है। एज़ यू कैन सी यहाँ पर भी लोग आए हुए हैं और अच्छा रास्ता है यार ये भी, काफ़ी यू कैन सी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है मेरे को। तो अभी हम लोग ये सेकेंड दड़ी पर आ चुके हैं, ये काइंड ऑफ लखनिया दड़ी का अल्टरनेटिव ही है। फॉल उतना बड़ा नहीं है जैसे लखनिया दड़ी में, तो लोग बताते हैं कि काफ़ी बड़ा फॉल है, काफ़ी डीप है, तो उस टाइप का फॉल नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल जस्ट वाटर फ्लोट हो रहा है और थोड़े बहुत माउंटेंस है उसके कारण थोड़ा सा इफेक्ट आ जा रहा है, अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ नहीं है, बट द पाथ एंड एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल एज यू कैन सी, दिस इज़ वेरी नाइस। जा रहे हैं हम लोग नीचे, नीचे में मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग नहाएंगे, मैं नहाया भी नहीं हूँ आज तो लेट्स गो। आगे पांडे और शुभम है। लखनिया देवी से ज़्यादा दूर नहीं है ये, आपको 2 किलोमीटर होगा लखनिया देवी से, हाईवे से लेफ़्ट को आना है आपको, जो मिर्ज़ापुर वाला हाईवे है जिससे राइट को लखनिया देवी है, उससे थोड़ा दूर आगे जाके फिर लेफ़्ट को आप आओगे तो ये वाला दरी मिलेगा। कैन सी यहाँ भी लोग हैं, पिकनिक मनाने लोग आते हैं यहाँ, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, कैन सी दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। निकलते समय मैं प्रॉपर एक पाथ का रास्ता बना दूँगा, मतलब रास्ते का वीडियो बना दूँगा सो दैट यू गाइस कैन सी। भी चलते हैं, सिग्नल्स वगैरह नहीं आते यहाँ तो अभी मैं बस रिकॉर्डिंग कर लूँगा एंड देन बाद में मैं इसको पोस्ट करूँगा। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा लोग पिकनिक मना रहे हैं, लाइक सब अपना खाने पीने का सामान लेके आए और यहीं पे खाना बना रहे हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं, अभी मैं जाके थोड़ा सा नहाता हूँ और फिर मैं आप लोगों को मिलूँगा थोड़ी देर बाद। ऑफ रोडिंग है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग है यहाँ पे, बाइक से अगर आप लोग आ रहे हो तो ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा लगभग 1-1.5 किलोमीटर का, तो वो ऑफ रोडिंग का वीडियो मैं बना दूँगा प्रॉपर जाते समय, रिटर्निंग में। आते समय मेरे को पता नहीं था ऐसा ऑफ रोडिंग होगा इसलिए नहीं बना पाया, तो जाते समय मैं ऑफ रोडिंग का प्रॉपर वीडियो बना दूँगा। मिलते हैं ऑफ रोडिंग में। हे गाइस वेलकम बैक, और अभी हम लोग नहा चुके हैं अब ओ पान शुभ आराम से ठीक है, गीला हुआ क्या? चलो अभी हम लोग नहा चुके हैं और अब वापस जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रिफ्रेशिंग था, काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 1 घंटे तो हम लोग रहे यहाँ। अब वापस जा रहे हैं, बाइक लेंगे फिर वापस जाएंगे BHU मे बी। अभी मैं जो रास्ता है वो ऑफ रोडिंग वाला आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँगा सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि यहाँ कैसे पहुँचना है।
क्योंकि डायरेक्टली तो पहुंचना मुश्किल है थोड़ा गूगल मैप से। आई डोंट थिंक गूगल मैप यहाँ तक का लोकेशन बता पाएगा, बट आप लोग किसी लोकल लोगों से यहाँ पे पूछ सकते हो, जैसे लखनिया दरी आके पूछ सकते हो नीचे कौन सा दरी है, तो वो लोकल शॉप्स वाले भी बता सकते हैं आपको रास्ता कि कैसे पहुँचना है यहाँ पर, तो उनसे पूछ के भी आप लोग आ सकते हो। बाकी मैं भी थोड़ा सा बहुत रास्ता आप लोगों को दिखा दूँगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं बाइक पे, एक बार आप लोग यहाँ का एक बार व्यू ले लो फिर से। अभी तो पानी थोड़ा कम है, आई गेस रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छा पानी रहता होगा इधर, काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पे रेनी सीज़न में। तो देख सकते हो आप लोग, दिस इज़ इंडीड अ नाइस प्लेस, सो लेट्स मीट ऑन द बाइक। रास्ता देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, तो अभी चलेंगे राम राम से। इस एरिया में हमने काफ़ी फोटोग्राफी भी की है, तो फोटोग्राफ्स भी मैं ऐड कर दूँगा इस वीडियो में सो दैट यू कैन सी ये कैसा आता है फोटोग्राफ। और ऑफ रोडिंग तो हम लोग देख रहे हैं, मतलब आ सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भैया थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं है, 1 किलोमीटर होगा। अब यहाँ से रोड आ गया है तो यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, आप लखनिया दरी आ सकते हो। लखनिया दरी आके किसी से पूछ सकते हो कि और कहाँ पे है, यहाँ पे कोई दरी है क्या छोटा मोटा, तो लोग आपको बता देंगे। वैसे मैं आप लोगों को हाईवे से कनेक्टिविटी एक बार दिखा देता हूँ। यही रास्ता है, ये विलेज का रास्ता है, विलेज से भी थोड़ा सा अंदर को है। ये वाला जो रास्ता है ये बेसिकली हाईवे को कनेक्ट करता है, और ये उधर से आते समय राइट को लेने पे हम लोग जाते हैं लखनिया, मतलब जो भी दरी मामी हम लोग कहते हैं। हाँ, लखनिया दरी का बोर्ड है, कहाँ से बेसिकली वही सामने लखनिया दरी जाता है आपको लेफ्ट, मतलब इधर से तो लेफ्ट में, बट उस साइड से अगर आप आओगे बनारस साइड से तो राइट में लखनिया दरी है। ये वाला बोर्ड आपको मिलेगा, 4 किलोमीटर यहाँ से लखनिया दरी दिखाता है, और फिर थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर लेफ्ट लोगे तो आप लोग वो वाले दरी पर पहुँच जाओगे। अभी फिर से हम लोग लखनिया दरी वाले रास्ते से निकलेंगे, तो यही सामने लखनिया दरी पड़ता है आपको। लखनिया दरी तो बंद है बट वो तो नहीं देख पाएंगे, हाँ बट वो रास्ता काफ़ी अच्छा है इसीलिए हम लोग लखनिया दरी वाले रास्ते से निकल रहे हैं। रास्ता भी अच्छा है और देखने में भी काफ़ी सुंदर है, इसलिए उस रास्ते से निकलेंगे। और अगर उस साइड से आप हाईवे के साइड से आ रहे हो तो हाईवे से आप राइट को लेके लखनिया दरी वाला शॉर्टकट आता है, वो शॉर्टकट से सीधा अंदर आओगे, सीधा सामने आओगे, फिर से जब हाईवे में टच करोगे तो उसी के अपोजिट साइड से अंदर जाता है ये वाला दरी, तो हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग जा सकते हो, बट थोड़ा सा अंदर है तो वो देख लेना। ऑफ रोडिंग हल्का हल्का ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, तो लेट्स सी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। आगे भी कुछ लोग व्लॉग बना रहे हैं, आई गेस वो लोग ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।